नमस्कार, जायका विद संगे में आपका स्वागत है। जैसे ही विंटर समर में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे ही हमारे बॉडी में जो गैस, ब्लोटिंग वगैरह होता है वो एसिडिटी में कन्वर्ट हो जाता है। जिसे बचने के लिए मैं आपके लिए गुलकंद की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गुलकंद अ डे विल बीट द हीट अवे। ये वीडियो एंड तक देखकर इसके फायदे और सेवन कैसे करें ये भी जाने। तो गुलकंद बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गुलाब की पंखुड़ियाँ ले ली हैं। ये देसी गुलाब है। देसी गुलाब लेकर इसे अच्छे से मैंने इसको साफ कर लिया है। एक एक पंखुड़ियाँ हमें अलग कर लेनी है। इसे मैंने दो बार पानी में अच्छे से धोकर ले लिया है। उसके बाद पानी को निकालकर ये कॉटन के कपड़े पर बिछा दिया था। इन पंखुड़ियों को मैंने उतना ही सुखाया जितना कि उसमें पानी लगा हुआ था। धोते समय जो पानी उस पर लग गया है उसी को मैंने हटाया है। उसी को सुखाने के लिए मैंने कपड़े पे बिछा लिया था। हमें इसे धूप में नहीं रखना है सुखाने के लिए। ऐसे ही नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर इसे, इसका जो पानी है वो सुखा लेंगे। और अब ये 100 ग्राम जितनी पंखुड़ियाँ हैं उसके साथ मैंने 100 ग्राम मिश्री ले ली है। अब इस मिश्री को हम दरदर ऐसा थोड़ा कूट लेंगे। इसे दरदरा कूट लेते हैं। तो इस तरह से मैंने दरदरा कूट लिया है। अब ये गुलाब की पंखुड़ियों को भी हम कूट सकते हैं या मिक्सर जार में इसे दरदरा पीस ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एकदम ऑथेंटिक तरीका बता रही हूँ। हम थोड़ी सी पंखुड़ियाँ हथेली पर ले लेंगे और थोड़ी सी मिश्री भी उस पर डाल देंगे और फिर हम इसे घिस देंगे। ये एकदम ऑथेंटिक तरीका है। हमें एकदम चटनी नहीं बना देनी है पेटल्स की। ये देखिए, ये टेक्सचर हमें चाहिए पेटल्स का। हमें एकदम बारीक पीस नहीं लेना है, इसकी चटनी नहीं बना लेनी है। थोड़े से और पेटल्स में यहाँ पे ले लूँगी और उस पर हम डाल देंगे मिश्री और इसे घीस देंगे। कुक भी किया जाता है, लेकिन कुक करने से बेहतर है ये ऑथेंटिक तरीका ट्राई करके आप ज़रूर से देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। हाथ थोड़े चिपचिपे हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही सही तरीका है। बेसिकली हम इसे मसल रहे हैं। शक्कर के बजाय हम मिश्री यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो मिश्री के तो बहुत से फ़ायदे हैं और ये गुलकंद भी बड़े काम आते हैं। आजकल तो गुलकंद को मिठाइयों में, डेजर्ट में, पुडिंग में भी यूज़ किया जाता है। पान में तो आपने खाया ही होगा। तो देखिए, ये मसल कर तैयार कर लिया है मैंने। यहाँ पे जो गुलाब लिए है वो देसी गुलाब लिया है, तो इससे इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है। बहुत ही मीठी मीठी खुशबू है। अब हम इसे बिना पकाए गुलकंद बना लेंगे, या मतलब इसे हम धूप में रखकर पकाएंगे। तो इसे भरने के लिए मैंने यहाँ पे कांच का बॉटल ले लिया है। उसे अच्छे से साफ करके, अच्छे से धोकर धूप में सुखाकर ले लिया है। अब हम इसमें ये मिश्रण डाल देंगे। वैसे तो ये 4 से 5 दिन में तैयार हो जाता है, लेकिन धूप कैसी है उस पर भी ये डिपेंड रहता है। तेज़ धूप रहेगा तो ये कम दिनों में तैयार हो जाता है। पहले तो ये मैं ओवरनाइट इसमें रखूँगी, ये पूरी रात इसी में रखूँगी और सुबह इसे धूप में रख दूँगी। कई लोग इसमें सौंफ भी डालते हैं, ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। मैं ये सिर्फ 2 चीज़ों से बना रही हूँ, मिश्री और गुलाब के पत्ते। ये एकदम ट्रेडिशनल तरीका है, वही तरीका मैं आपको बता रही हूँ।
और इसका टेक्सचर हमने देखा, हमें ये दरदरा सा हमने ये तैयार कर लिया है, बिल्कुल भी चटनी फॉर्म में इसे नहीं बनाना है, ये याद रखिएगा। अब इसे मैं ढक दूंगी और रात को मैं इसे इसी में रहने दूंगी, सुबह इसे धूप में रख देंगे। गुलकंद को धूप में रखकर 5 दिन हो गए हैं और ये हमारा आज गुलकंद तैयार हो गया है। मैं इसको बाहर निकाल के बताती हूँ, एक बाउल में निकाल देंगे इसको। सुबह जब भी मैं इसे धूप में रखती थी तो उससे पहले मैं एक साफ चम्मच से इसे हिलाकर उसके बाद धूप में रख देती थी और शाम को इसे हटा देती थी। इस तरह मैंने रोज 5 दिन तक इसे धूप में पका लिया है और जब भी ये बॉटल खुलता था तब इसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती थी। अभी भी बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। मिश्री इसमें अच्छे से पिघल गई है और जो हमने गुलाब की पंखुड़ियाँ यूज़ की है वो दोनों अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ये बहुत ही इजी और ऑथेंटिक तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है, उसमें नेचुरल तरीके से ही पका है। इस बहुत ही टेस्टी बनता है, स्वाद इसका बहुत ही बढ़िया बनता है। धूप में ही पकाकर इसे बनाएं। जैसे जैसे दिन जाते हैं ये और काला पड़ने लग जाता है, लेकिन आप इसे एयरटाइट कंटेनर में ही भरे, ये ज़्यादा दिन तक आप स्टोर कर सकते हैं। सर दर्द, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, इरेगुलर स्लीप, थकान में गुलकंद का सेवन करने से बहुत राहत मिलती है। रात को सोने से पहले दूध के साथ लेने से नींद अच्छी आती है। पानी में मिक्स करके दिन भर पीने से एसिडिटी और ब्लोटिंग दूर करता है। डाइजेशन के लिए 1 टेबलस्पून सुबह या फिर खाना खाने के बाद ले। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।